तो हेलो बाबा लोग, आज आपका स्वागत है दोबारा फिल्मी बाइट के एक नए शो पे। और आप सभी को आज मैं बताने वाला हूँ जवान के बारे में, जवान के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जो आपको अभी तक नहीं पता होंगे। वैसे तो अगर आज से 5 साल पहले जाएं और देखें कि शाहरुख खान के बारे में लोग क्या बोल रहे थे, तो आप हैरान होंगे कि आजकल की न्यूज बिल्कुल वैसी नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि किंग इज बैक वगैरह वगैरह, लेकिन अगर आपको याद हो तो जीरो के टाइम पे सबने शाहरुख खान को राइट ऑफ कर दिया था। तो सब ये बात जानते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ मेहनत करते रहिए, आपका वक्त कभी भी बदल सकता है। दुनिया तो साली बैठी है आपकी लेने के लिए, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहे तो शाहरुख भाई की तरह कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा जवान के बारे में कुछ अननोन फैक्ट। जवान फिल्म अटली डायरेक्ट कर रहे हैं। अटली कौन है? अटली साउथ मूवीज के एक बहुत जबरदस्त डायरेक्टर। इन्होंने इससे पहले थालापति विजय की बीगल डायरेक्ट करी है। ज्यादातर अगर अटली की फिल्मों को स्टडी किया जाए तो अटली हमेशा ज्यादा से ज्यादा सदन कमर्शियल फिल्म्स ही बनाते हैं। बहुत कमर्शियल ओवर द टॉप फिल्म्स होती है, और शाहरुख खान भी इस वक्त वही फिल्म्स के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सब तो पूरा एकदम नोन है कि ये फिल्म बहुत जबरदस्त एक्शन थ्रिलर होने वाली है। फिल्म की स्टोरी लाइन तो अच्छी होनी देखिए, ये सब जानते हैं कि साउथ के डायरेक्टर्स बॉलीवुड के डायरेक्टर्स से ज़्यादा अच्छी स्टोरी लिखते हैं। इवन दो फिल्में कमर्शियल होती है, लेकिन कमर्शियल होने के बाद भी फिल्मों के अंदर बहुत सारा मीट होता है, देखने लायक होता है। और साथ ही साथ अगर आप देखें AR मुर्गदोस, पीपल लाइक कार्तिक सुब्बराज, जिन लोगों ने भी फिल्में बनाई, लोकेश कनकराज, ये सब कमर्शियल और अच्छी स्टोरीज को अच्छे से ब्लेंड करना जानते। इसलिए जवान एक बहुत जबरदस्त और बहुत स्पेशल फिल्म साबित हो सकती है शाहरुख खान के लिए। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके बेटे आर्यन खान ने उनसे कहा था कि आप एक ऐसी फिल्म कीजिए जिससे दुनिया को पता चले कि आप असलियत में शाहरुख खान है, मतलब एक बड़े स्टार है। वैसे शाहरुख हमेशा बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते आए हैं। इवन एट द टाइम जब उनका डाउनफॉल चल रहा था, जब फिल्में नहीं चल रही थी, फैन जीरो जैसी फिल्मों से उन्होंने सिंपल फिल्म्स करने की ट्राई नहीं करी, कमर्शियल पॉट बॉयलर्स करने की ट्राई नहीं करी, उन्होंने हमेशा कुछ अलग करने का ट्राई किया। मुझे लगता है इसी वजह से उनके फैंस आज तक उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन शाहरुख ने भी अब फॉर्मूला अपनाना शुरू कर दिया है। मुझे लग रहा है आगे आने वाली बहुत सारी फिल्मों में शाहरुख कमर्शियल पॉट बॉयलर फिल्म्स ही करने वाले हैं। वो ये समझ चुके हैं कि लोगों को यही सब देखना पसंद है। ऑल दो राजकुमार हिरानी की फिल्में डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जब वो आएगी हम तब उसकी बात करेंगे। फिलहाल जवान के बारे में तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको पठान जैसी एक और ज़बरदस्त कमर्शियल पॉट बॉयलर मिलने वाली है। हमने थोड़ी सी स्टोरी लाइन पता करने की कोशिश की है, तो पता तो ये चल रहा है कि शाहरुख खान एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। जहाँ तक ट्रेलर से भी देखने में पता चल रहा है, मैं 100% श्योर हूँ ये कोई सोल्जर है जो रोग हो चुका है और अब अपने लोगों के साथ सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त शाहरुख खान कुछ भी टच कर देंगे तो उनकी PR टीम और शाहरुख खान पैसे ही बहुत पैसे वाले हैं भाई, जबरदस्त मार्केटिंग होने वाली है फिल्म की। और मुझे लगता है कि ये फिल्म पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। फिल्म में लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी नजर आएंगी। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, नयनतारा लेडी सुपरस्टार मानी जाती है तमिल सिनेमा की। नॉट ओनली इन तमिल सिनेमा, साउथ में सिर्फ तमिल सिनेमा नहीं है, तेलुगु मलयालम लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, और नयनतारा वहाँ पे लेडी सुपरस्टार मानी जाती है। वो शाहरुख खान की खुद भी फैन है। अभी अभी पता भी चला है कि जवान का एक छोटा सा सीन लीक हुआ है। एक्चुअली वो पूरी वीडियो नहीं है, बट थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिप्स हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है। थोड़ा सा रही स्टाइल एक्शन लग रहा है फिल्म का। इस फिल्म में विजय सेतुपतिया भी नजर आएंगे। विजय सेतुपतिया ने इस फिल्म के लिए, अगर सोर्सेज की माने तो, 21 करोड़ रुपए चार्ज किया है। उन्होंने आज तक अपनी किसी फिल्म के लिए 21 करोड़ रुपए चार्ज नहीं किया। भाई इनकी प्रोडक्शन के पास बहुत पैसा है, ये बात तो मानने वाली है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। चाहे जॉन अब्राहम हो, चाहे विजय सेतुपतिया, जो भी शाहरुख खान की प्रोडक्शन में काम करता है या शाहरुख खान की फिल्म में काम करता है, वो अपना सबसे ज़बरदस्त पैकेज लेके जाता है। ये देखने लायक चीज़। शाहरुख खान की PR टीम बहुत ही ज़बरदस्त PR टीम है। और मैं ये भी जानता हूँ कि शाहरुख खान बहुत खर्चा करते हैं अपनी मार्केटिंग पे। मैं इसको कोई ये नहीं कह रहा कि इसकी वजह से शाहरुख खान बने हैं जो वो हैं, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि बड़े एक्टर्स जब इतना खर्चा अपने PR पे करते हैं, तो आप ये बात बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर आपको पसंद हो ना हो, कहीं ना कहीं वो आपको दिख ही जाएंगे, तो यू कांट इग्नोर देम। भैया फिल्म कैसी होगी ये तो मैं नहीं बता सकता, मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि कमर्शियल पॉट बॉयलर है। और
मुझे ये भी लग रहा है कि शाहरुख खान की टीम और शाहरुख खान ये चाहते हैं कि वो अब पैन इंडिया जाए, और ये चीज उनकी स्ट्रैटेजी में भी दिख रही है। जवान के अंदर बहुत सी कास्ट साउथ से ली गई है, साउथ का डायरेक्टर, साथ में शाहरुख खान। ये फिल्म सिर्फ हिंदी ऑडियंस नहीं देखने वाली बल्कि तमिल और तेलुगु ऑडियंस भी देखेगी। मैं ये बात के लिए श्योर हूँ कि ये फिल्म को देखने के लिए बहुत भीड़ उमड़ने वाली है, क्योंकि पठान जिस तरीके से हिट हुई है उसका फायदा इस फिल्म को भी बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। फिल्म कैसी होगी ये तो भगवान जानता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये फिल्म की ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त लगने वाली है। फॉर मोर अपडेट्स ऑन फिल्म्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।